अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक के करम फजल से अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान गुजर चुका है। आज माशाल्लाह ईद फितर थी और सुबह ईद फितर अदा किया, अचानक ईद फितर आ गई थी। सुबह 7:30 बजे नमाज थी, नमाज अदा किया, उसके बाद माशाल्लाह हम जो है ना कब्रिस्तान गए हैं। कब्रिस्तान जा रहे थे और रास्ते में सब बारिश आ गई और उधर सब वापस आए, बारिश थी। उसके बाद घर फैमिली में मिले जुले हैं, अल्लाह गुल्ला की है, दोस्तों के साथ मुलाकात की है, घर खाना खाया, बाद में रेस्ट की है। अब जो है ना हम निकले हैं अपने कजन दोस्तों के साथ, अब देखें किधर का प्लान बनता है। मेरे साथ हैं हमारे भाई मैसम रेल भाई और हसन भाई, साथ ये देखें हमारे मेहर साहब भी हैं। मेहर साहब की हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक शुक्रिया। मेहर साहब अथलाओ, मेहर साहब की तरफ से भी सबको जो है ना दिली मुबारक है। और शाह साहब अरे भाई अपना जो भी काम ध्यान जा रहे हैं, ईद मुबारक साहब भाई, अचानक ईद तो की कहंदे ने सब इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ स्टे होम स्टे सेफ स्टे सेफ। देखिए जी, कल जो है ना हमारे मौलवी साहब जो हुकूमत के, उन्होंने 11:30 बजे ऐलान किया है कि सुबह ईद है। ओ ये तो उनका देखें, ये इतना बड़ा सरप्राइज जो है ना, ये तो समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी तो हमने शॉपिंग जूता लेने जाना था, आज का प्रोग्राम था कि आज चलेंगे, और कपड़े भी जो है ना वो टेलर के पास थे, ना मेरे थे, ना रेल भाई, ना हसन के, ना मैसम के, ना हमारे बाबा जी के जो है ना वो कपड़े भी आए हुए थे। फिर 2 बजे टेलर से रब्ता हुआ है, उसको घर से पिक किया, शॉप पर लेकर आए हैं, उसने ड्रेस निकाल कर दी है, फिर प्रेस करवाए हैं, लेकिन जूते फिर भी नहीं है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि बहुत ही बिग सरप्राइज था इनका ना, क्यों मैं चाहती मेहर साहब कैसा सरप्राइज थी इन्होंने, उन्होंने जनाब सही इंतजार करवा करवा कर देखो, फिर इन्होंने कहा ठीक है दाल चौल खाओ। प्रोग्राम तो जो है ना सियालकोट का था, लेकिन हम जो है ना ट्रैवल करते करते अभी बाहर वाले जो है ना पुल लेक पर आ गए। इधर जो है ना ये रॉयल कुल्फी वाले हैं, वो तो इनसे कुल्फी खाने का दिल कर रहा था हमारे शाह साहब का, तो स्पेशल वो साथ ले कर आए हैं, कह रहे हैं इधर से कुल्फी खाते हैं क्योंकि काफ़ी टेस्टी है, मज़ेदार है। अभी वो ऑर्डर किया है, वो लेने गया है, तो कुल्फी खाने के बाद टस्के दोस्त है उधर जाना, उसके बाद गुजराले खाने के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो है ना बताएंगे हम। तो स्पेशल खाना है उधर दोस्त के पास, तो स्पेशल खाने में क्या क्या होगा वो आपको बाद में बताएंगे। अभी तो जस्ट हम कुल्फी का ऑर्डर किया है, वो कुल्फी लेने गया है, कुल्फी लेकर आता है, वो खाएंगे और साथ आपको बताएंगे कि क्या टेस्ट है। लें जी ये कुल्फी आ गई है। ले जी ये है जनाब कुल्फी खोए वाली, कुल्फी खोए वाली, कुल्फी खोए वाली, कुल्फी खोए बुलाया। जी अब हम पहुंच गए हैं गुजराला टूल प्लाजे पे, इधर 20 रुपए पर्ची है, 20 रुपए देना, 20 रुपए पर्ची देनी है हमने, ये लो मैं जी 20 रुपए मेरे से ले लें आप। हेलो दस पढ़ो, दया दस पढ़ो, 20 हो गए। नहीं जी अभी मैं आपको एक ना चीज दिखाता हूँ, वो चीज क्या है कि ये देखें, ये ना हमारे शाह साहब और रेल साहब और हसन साहब जो थे ना वो पीछे बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह अपनी नींद में मस्त है सफ़र पे हम, लेकिन उन्हें नींद आई हुई है, वो तीनों जो है मगन है अपनी नींद में। मैं उन्हें ना पूछ रहा था कि भाई नींद आ रही है, कोई चीज़ खानी है तो बताओ, मैं आपको ले लेता हूँ।
लेके कहते हैं कि नहीं खाना कुछ नहीं, लेकिन मगन है वो, नींद में मगन है हम सब, तो कुछ लगता कुछ ज़्यादा ही नींद आई हुई है, मस्त हुए हैं साथ शाह साहब भी। तो वैसे हम जो है ना गुजराला पहुँच गए हैं अभी, इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर अंदर हम जो है ना अपने दोस्त के पास पहुँचने वाले हैं, उसके बाद हम खाने के लिए निकलेंगे। हम पहुँच गए हैं शहबाज टिका शाह पे, जो गुजराला चांद के किले पे सबसे मशहूर और बेहतरीन जो शॉप है खाने में वो है शहबाज टिक्के वाले, क्योंकि ये पहलवानों का शहर है और चांद का किले जो है ना ये मुकम्मल जो है ना गुजराले की सबसे मशहूर गली जो है ना ये चांद के किले पे खाने वाली ये है। इसके दोनों साइडों पे बस खाने की चीज़ें हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये पहलवानों का शहर है और इधर जो लोग हैं वो खाना जो है शौक से खाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो खाते हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन ये जो है खाते हैं बस शौक से खाते हैं, कहते हैं खाएं जिंदगी चार दिन जी भर के खाएं, जिंदगी चार दिन की है पता नहीं कब चले जाना है, यानी कि इतना शौक है लोगों को खाने का। लेकिन अब हमें वो जो है ना हमने ऑर्डर कर दिया है, अब हमें वो गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं मिली, हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, गाड़ी लगाएंगे फिर उधर वॉक करते वापस आएंगे, और क्या ऑर्डर किया ये आपको हम बाद में बताते हैं जी। जिधर से हमने खाना खाया ये देखें खाने तैयार हो रहे हैं, टिक्का कबाब, मलाई कबाब, सीख कबाब, काफ़ी सारी डिशें जी। फाइनली हमने जो है ना अपना जो खाना है वो ऑर्डर किया हुआ था वो हमें मिल गया है। लॉकडाउन की वजह से होटल के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं है, हम होटल के सामने एक पार्क है उधर बैठे हुए हैं। हम गेस्ट हैं आज उजार अली भाई और सेठी साहब के, हसन भाई के दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, एक साथ ही इन्होंने जो है ना अपने डिप्लोमा किया हुआ, इंजीनियर हैं दोनों। तो ये देखिए ये मेन्यू है आज का। हाँ साहब सर चुग रखो कम नो शादी मेहर साहब बिस्मिल्ला, चलें जी हम भी करते हैं बिस्मिल्ला, क्योंकि लगता है ये तो नहीं रुकने वाले जी। अब हम वापस के लिए जा रहे हैं, निकल रहे हैं, भाई से मिल रहे हैं, सरसी भाई का बहुत शुक्रिया जनाब आपने सर हमें इनवाइट किया। ये जनाब आज ईद का पहला दिन था और ये आज हम अपना इस्तेमाल इधर से कर रहे हैं, स्पेशल आपने इनवाइट किया हमें खाने पे, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह मनाली आइएगा फिर मुलाकात होगी जी, थैंक यू। आप भी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।